क्लियर पीडब्ल्यू कॉन्ट्रोवर्सी। ये प्रॉब्लम ना हर ऑर्गेनाइजेशन में, बस पीडब्ल्यू एक वायरल ब्रांड है तो सारी प्रॉब्लम यहाँ जो होती है वो सारा तमाशा दुनिया के सामने होता है। लोगों को बड़ा मजा मिल जाता है उस तमाशा को हाईलाइट करने का कि ये देखो ये तमाशा हो गया। अभी रिसेंटली मेरे को किसी ने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि आपको पता है आप पे इतने वीडियोस क्यों बनते हैं फिजिक्स वाला पे, आपको पता है कि इतने आर्टिकल्स में फिजिक्स वाला या पीडब्ल्यू या अलग पांडे क्यों लिखा जाता है। मैंने कहा क्यों, आप एक इंसान नहीं हो और आप एक कंपनी नहीं हो, आप एक SEO हो, मतलब उनके लिए आप SEO वर्ड हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्ड हो। आपका कीवर्ड लगाने से रीच बढ़ जाती है, इसलिए लोग यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस बनाते हैं। और एक बार बताओ प्रॉब्लम कहाँ नहीं होती, प्रॉब्लम हर जगह होती है, हर जगह प्रॉब्लम है यार। तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर के वीडियोस बाहर निकले कैसा लगेगा, बहुत खराब लगेगा सर। बाहर क्या बताते हो, घर में सब सही है, मम्मी पापा बहुत प्यार है, मेरे मम्मी बहुत प्यार है, सब बहुत अच्छा चल रहा है घर। और सोचो घर का तमाशा किसी दिन बाहर आ जाए। तो एक वायरल ब्रांड होने का एक डिसएडवांटेज, जैसे कई लोग कहते हैं वायरल ब्रांड के फायदे हैं, फायदे भी हैं, मतलब एक ब्रांड वायरल है जिसपे बहुत व्यूज होते हैं उसके फायदे भी, तो डिसएडवांटेज भी होता है ना कि छोटी भी चीज होती है उस कॉन्ट्रोवर्सी, सब लोग उसके ऊपर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। जिसने पीडब्ल्यू को जाना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, समझा भी नहीं था, वो भी आर्टिकल लिख रहे हैं कि ऐसा हुआ है भाई, ऐसा हुआ है, पीडब्ल्यू वाले ने ऐसा किया है, हमारे रिसोर्सेज ऐसा कहते हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें तो ऐसा ऐसा लिखा था, एलिजिबली रिपोर्टेडली एज क्लेम्ड बाई, क्या है ये सारे बड़े यार, एज द डायरेक्टर ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन तो बुरा बोलेगा ही ना यार। तो यार ये सब चलता रहेगा, डजंट अफेक्ट योर स्टडीज एंड इट डजंट अफेक्ट पीडब्ल्यू एट ऑल। पीडब्ल्यू इज ग्रोइंग एंड इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। ऑनलाइन के अंदर चाहे लक्ष्य की बात करें, तो लक्ष्य की पहली जब लाइव क्लास हुई तो फिर से इस बार टेक ने धमाका किया, 1,00,000 बच्चे लाइव फिर से आए। किसी भी मतलब मैं ऑनलाइन बैच की बात करूं तो पूरी तरह से ग्रोथ जर्नी चल रही है और हर बार नए टीचर्स आते रहेंगे, बेहतरीन टीचर्स आते रहेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो इन सब चीज़ों का। सो देर इज़ नो कॉन्ट्रोवर्सी टू क्लियर, क्या कॉन्ट्रोवर्सी है, तुमको पढ़ाई करनी है हमको पढ़ाना है, यही तो है ना हमारा आपका रिश्ता, क्या है, आपको पढ़ाई करनी है हमको पढ़ाना है, खत्म बात। कम से कम फीस में हम आपको अच्छे से अच्छे फीचर्स देंगे, आप कम से कम फीस दोगे हम आपको पढ़ाएंगे फीचर्स के साथ, आप नहीं दे पाओगे हम यूट्यूब पे आपको फ्री में पढ़ाएंगे, बस यही तो रिश्ता है ना हम लोग का। इससे ज़्यादा और इससे कम कोई रिश्ता नहीं। पीडब्ल्यू तुम लोग हर जगह कमेंट करते रहते हो कि अब ये इमोशन वाला है, पीडब्ल्यू इज इमोशन और ये, और अब इमोशंस नहीं रहे हमारे पीडब्ल्यू के साथ। मत रखो पढ़ाई करो, मत रखो ना इमोशंस, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लेके जाओ, रिजल्ट लेके जाओ। तो इमोशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम जब पीडब्ल्यू में घुसे थे तब अगर तुम 10 में से थे 2 थे, तो जब पीडब्ल्यू से निकले हो तुम 10 में से 8 बने कि नहीं बने, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम पीडब्ल्यू के सोल्जर बने कि नहीं बने, तुम कमेंट करते हो नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मेरे इंपॉर्टेंट ये तुम 10 से 2 से 10 से 8 बने कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पेरेंट्स। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए।